भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा अलवर के खेड़ली में है। यहां पर राजे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे। जा रही हूं माता बहने कि आप लोगों को घरों के अंदर सरकार अपनी आएगी तो 24 घंटे बिजली मिलने का काम होगा। आपको कहीं जाने की दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी कोशिश है कि हमारी बच्चियों को सही तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर घर में बिजली है तो ये होगा। आप घर के अंदर सिंगल फेज की बिजली 24 घंटे दे देते हो तो थके मांदे सब अपने खेत से, अपनी दुकानों से आते हैं, अपने धंधे से आते हैं, तो ठंडक घर के अंदर मिलता है। मैंने सोच के रखा था कि आप लोगों को 2008 के अंदर ही 24 घंटे बिजली मिल जाती, परंतु ये सरकार ने आपके पूरा काम नाकामयाब किया और 4 साल 4.5 साल बीतने के बाद भी आप लोगों को घर तक बिजली पहुंचाने का ये काम न कर सकी। लानत है ऐसी सरकार पे जो ये इतना छोटा काम नहीं कर पाई। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये काम करके हम लोग देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पूरे विधानसभा के अंदर मैंने देख लिया है कि कहीं भी नई सड़क नहीं बनी है। मैंने देख लिया है पूरे विधानसभा के अंदर लोगों ने मुझे सड़क के ऊपर रोक के ये कहा है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आपके समय में 72 घंटे में बदला जाता था, अब हमको 72 महीने में नहीं मिलता, हमारे मिलते नहीं। अब हमारा समय निकल जाता है, जब तक हम लोग पैसा नहीं देते, जब तक रिश्वत नहीं देते, तब तक हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र का वापिस वो नहीं आता। क्या ये सही है? बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी अभी मैं देख रही थी, मैं आई थी बाड़मेर से, तो बाड़मेर के अंदर अभी सड़क निर्माण का काम चल रहा है, तो मंत्री तो खुद ही कह रहा है कि सड़क का जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड काम है, वो ठीक काम नहीं है। परंतु वहां एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। मैंने देखा कि जब मैं गई थी बाड़मेर के गांव के अंदर, तो उन लोगों ने मेरे ये कहा कि ये सड़क जो आपकी देखने को मिल रही है, ये सड़क अभी तेज आंधी आई थी। धोरी मन्ना पंचायत समिति की बात है, बाड़मोर ग्राम पंचायत में तेज आंधी में पूरी सड़क ही उड़ गई, पूरी सड़क ही उड़ गई। मैंने धोरी मन्ना वालों को यही कहा, मैंने कहा भैया इतनी अच्छी कहानी आपने सुनाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा मैडम चलो हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सी सड़क है, ये ऐसी बात नहीं है, इतनी जोरदार आंधी आई और सड़क की सड़क ही खत्म हो गई, ये आपको देखने को हम ले जाएंगे और दिखाएंगे। अरे ये आइए बस सीधा रुख करते हैं अलवर के रामगढ़ का, जहां वसुंधरा राजे का संबोधन चल रहा है।